आधार कार्ड को लेकर एक बार फिर से बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स से अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट नहीं कराया है तो फ्री में अपडेट कराने की सुविधा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। आप जानते ही होंगे कि पहले UIDAI की ओर से जारी किए गए इस डॉक्यूमेंट को अपडेट कराने की जो डेडलाइन थी वो 14 जून 2023 तक थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। तो आप कब तक फ्री आधार अपडेट करा सकते हैं और कैसे कराना होगा, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। UIDAI ने आधार डिटेल्स फ्री में अपडेट करने की लास्ट डेट 14 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐसे यूजर से आधार इमीडिएटली अपडेट कराने की अपील की है जिन्होंने आधार इशू होने के 10 साल बाद भी डिटेल्स को अपडेट नहीं कराया है। आधार अथॉरिटी ने फ्री अपडेट सर्विस को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना आधार अपडेट नहीं करा पाए हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब लोगों को अपना आधार अपडेट कराने के लिए और वक्त मिल गया है। बता दें कि आधार को ऑनलाइन फ्री अपडेट कराया जा सकता है। इसके अलावा नजदीकी आधार स्टोर या फिर पोस्ट ऑफिस स्टोर से भी आधार को अपडेट आप करा सकते हैं। UIDAI की वेबसाइट के मुताबिक आधार कार्ड की जानकारी को सटीक रखने के लिए अपने डेमोग्राफिक डॉक्यूमेंट को अपलोड करें और अपने आधार कार्ड को अपडेट करें। आप अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने के लिए myaadhar.uidai.gov.in पर जा सकते हैं। वहीं CSE सेंटर पर जाकर अपडेट कराने पर आपको ₹25 का चार्ज देना होगा। आपको बता दें कि आधार प्राधिकरण ने आधार यूजर्स को डेमोग्राफिक डिटेल्स फ्री में अपडेट कराने के लिए 15 मार्च से 14 जून 2023 तक का वक्त दिया था। 14 जून की डेडलाइन बीते दिनों ही खत्म हो चुकी है। इसके बाद आधार प्राधिकरण ने मुफ्त डिटेल्स अपडेट कराने की जो सेवा है उसको बढ़ाकर 14 सितंबर 2023 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है ताकि लोग आराम से अपने आधार को फ्री में अपडेट करा सकें। UIDAI की तरफ से जारी किए गए इस पोर्टल पर आधार कार्ड में एड्रेस, नाम आदि जानकारी अपडेट की जा सकती है। यूजर्स को इसके लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए आप एड्रेस और बाकी चीजों में बदलाव कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आपको आधार कैसे अपडेट करना है। सबसे पहले आधार की वेबसाइट myaadhar.uidai.gov.in पर जाएं। अब लॉगिन करें और नाम, जेंडर, जन्मतिथि या एड्रेस के ऑप्शन को आप चुन लें। आधार अपडेट करने के ऑप्शन को चुनें। अब एड्रेस या बाकी जानकारी अपडेट करने के लिए विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद स्कैन कॉपी को अपलोड करें और डेमोग्राफिक डेटा की जानकारी को अपलोड कर दें। पेमेंट करें अब, जिसके बाद आपको एक नंबर मिलेगा, इसे संभाल कर रख लें, स्टेटस चेक करने में आपके ये काम भी आएगा। तो अब आधार अपडेट अगर आप करा रहे हैं तो आपको इसे ट्रैक कैसे करना है। तो जब आप आधार कार्ड में एड्रेस को सफलता से बदलने के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो आपको एक URN नंबर दिया जाता है, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा और आपके रजिस्टर्ड नंबर पर SMS के द्वारा भेजा जाएगा। अब ssup.uidai.gov.in चेक ssup स्टेटस / चेक अपडेट स्टेटस पर जाकर आप अपने आधार कार्ड अपडेट स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आपको अपना डेमोग्राफिक डेटा कब बदलना पड़ता है। तो खास तौर पर जब किसी महिला की शादी होती है तो सरनेम के लिए इसे चेंज कराया जाता है। वहीं अगर जन्मतिथि, नाम और एड्रेस में गड़बड़ी है तो भी आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पिछले 10 साल से अपने आधार कार्ड को बिल्कुल अपडेट नहीं कराया है तो आपके लिए आधार को अपडेट कराना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये इनवैलिड हो सकता है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।